अल्लाह। मैं पूछता हूं कोई अगर नबी को अनपढ़ समझे उन्हें मुसलमान हो सकता मेरे भाई? नबी को अनपढ़ समझने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अब जरा एक बात आपसे मैं पूछता हूं, नहीं आपसे नहीं पूछता, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं अल्लाह वाले, बाजू वालों से पूछता हूं। अरे मेरे भाई, जब तू नबी को अनपढ़ समझता है तो फिर अनपढ़ का कलमा पढ़ता क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं भाई, तू आलिम का कलमा पढ़, अनपढ़ का कलमा क्यों पढ़ता? ला इलाहा इल्लल्लाह मौलाना अब्दुल जलील रसूलुल्लाह। मौलाना लोग पसंद नहीं आ रहे, उसको ने बोला नहीं नहीं मैं मौलाना को नहीं मानता। बोले किसको मानता? इंजीनियर से। अच्छा इंजीनियर। ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील इंजीनियर रसूलुल्लाह। जो तेरी नजर में पढ़ा लिखा है उसका कलमा पढ़ ले, अनपढ़ का कलमा पढ़ते ही कहीं नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला। जो नबी खामी है, जिस नबी में खता है, जिस नबी में तुम लफ्जी जानते हो, जो नबी को नौज बिल्ला कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, लिया गुफिर लक अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख्खर। ऐ नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गुनाह माफ कर दिया मतलब गुनाह थे तभी माफ करे ना। मैं आपको बोला मैं आपका कर्जा माफ कर दिया, आप पूछेंगे मुल साहब लिए कब? माफ करने के वास्ते होना जरूरी है। हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया मतलब गुनाहगार थे तभी तो माफ किया। तो मैं पूछा मियां तू नेक लोगों का कलमा पढ़े, गुनाहगार नबी का कलमा पढ़ता है कहीं को? तो बोले नेक कौन है? बोले तुम्हारी जमात के अमीर साहब, उनका कलमा पढ़ लो, किस्सा खत्म। मेरे प्यारे भाई, बहुत बड़ी मशीनरी फिट की गई है अहले सुन्नत के खिलाफ। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अहले सुन्नत पर कायम रहो, कायम रहेंगे। अब आप मेरे को इत्मीनान दे दीजिए, आप कल से किसी जमात के बहकावे में नहीं आएंगे तो जरा मैं अमल की तरफ आता हूं। अकीदा मजबूत हो गया, आप जरा अमल को भी मजबूत कर लेंगे।